हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये स्कोडा की ऑक्टाविया है, 2014 का मॉडल है, पेट्रोल कार है, इलिजियंस है, विद सनरूफ है। तो मैं इसमें इसका आज डैशबोर्ड खोलने के लिए जा रहा हूँ। डैशबोर्ड क्यों खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो इवापोरेटर कॉइल है ना, यानी कूलिंग कॉइल डैशबोर्ड के अंदर जो फिट रहता है, वो लीकेज हो गया है। इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। डैशबोर्ड खोलने के बाद मैं आपको डैशबोर्ड कैसे कैसे खोला जाता है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइज, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो फिर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कंसोल बॉक्स से स्टार्ट करता हूँ और फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो इससे पहले मैं 2014 का डीजल कार का ऑक्टाविया का डैशबोर्ड खोल चुका हूँ। तो उस वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो के लिंक, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा और ये सब चीज़ें, नई चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूंगा। तो चलो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। तो सबसे पहले बैटरी की वायर लगी है मेरा, अभी दिखा देता हूं आपको। देख पा रहे हैं आप, बैटरी वायर लगी है। तो सबसे पहले बैटरी की वायर निकाल देता हूं। निकालने के बाद कंसोल बॉक्स खोलना स्टार्ट करता हूं। तो चलो फिर अपना काम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो फाइनली मैं बैटरी की वायर निकाल चुका हूं। तो सबसे पहले अपने को कंसोल बॉक्स खोलने के लिए नीचे का जो ब्लैक कलर की फाइबर देख रहे हैं, ये खोलना पड़ेगा और इस साइड का खोलना पड़ेगा। एक एक स्क्रू दिया हुआ रहेगा, इधर देख रहे हैं ये वाला स्क्रू रहेगा और इस साइड भी वैसा ही स्क्रू रहेगा। ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद ये सेटअप आपको ऊपर लेना पड़ेगा। स्क्रू और से कटा के लेता हूँ, पहले नीचे का दोनों स्क्रू खोल देता हूँ, फिर आगे का मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इधर का पैनल खोल के बाहर ले लिया हूँ और इधर का पैनल भी खोल दिया हूँ। स्क्रू इसको खींच के नीचे लेने का अपने को, ये भी ले लिया बाहर। अब अपने को ये वाला सेटअप खोलना पड़ेगा, ये वाला ये इसमें जो सॉकेट वगैरह गियर के ऊपर का जो कवर दिया है, ये सॉकेट वगैरह बटन वगैरह रहता है, ये वाला खोलना पड़ेगा आपको। तो ये इसको खींचेंगे ऐसे निकल जाएगा, उसके बाद इसको भी ऐसे ऊपर उठाएंगे माइनस स्क्रूड्राइवर से तो ये निकल जाएगा। थोड़ा संभाल के करने का रहता है, मैं ऑलरेडी पहले खोल चुका हूँ इसको, अभी सिर्फ मैं हाथ से खोलूँगा तो निकल जाएगा ये, क्योंकि आपको दिखा दे रहा हूँ। निकल गया और इसमें दो सॉकेट, तीन सॉकेट रहेगी। यही मसला होता है कि एक हाथ से काम करने को जमता नहीं ना। ये रही सॉकेट, एक ये वाली सॉकेट और एक ये दो सॉकेट, एक ये तीन सॉकेट रहती है। तो चलो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं, और मेरे को वापस से बैटरी का वायर लगाना पड़ा, क्योंकि इसका सिस्टम ऐसा है, ऑटोमेटिक कार है, इसकी वजह से इसको चाबी बैटरी वायर निकालने के बाद गियर को शिफ्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाला है। तो इसकी वजह से मेरे को बैटरी वायर लगाना पड़ा, लगा के फिर मेरे को गियर में लेना पड़ा इसको गाड़ी को, क्योंकि ये निकलता नहीं मेरा। तो इसको भी आप माइनस स्क्रूड्राइवर से यहाँ से कटाएंगे, ये तीनों सॉकेट थी उसमें, स्क्रूड्राइवर से यहाँ से इसको कटाएंगे। इसको खींचेंगे आगे, ये निकल जाएगा। इसमें एक सॉकेट है, वो वाली सॉकेट, ये भी निकल चुका अपना। अब अपने को देखो अंदर कुछ दिया है, यहाँ कुछ नहीं दिया। अब यहाँ का काम खत्म हो गया, अब पीछे जाना पड़ेगा। अपने को पीछे दो स्क्रू दिया हुआ रहेगा, तो चलो पीछे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे क्या क्या खोलना पड़ रहा है अपने को। पीछे तो सबसे पहले आपको ये वाला खोलना पड़ेगा, जो कि कुछ होल्ड वगैरह करने के लिए दिया हुआ रहता है। उसके बाद ये वाला रहता है, उसके बाद यहाँ एक स्क्रू रहेगा और एक स्क्रू, ये दो। तो खोल दिया था, खोलने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ। दो स्क्रू इधर रहेगा, ये खोल चुका हूँ मैं, इसको भी खोल ही देता हूँ।
अब ये अपना इजीली खींचेंगे, इसको बाहर आ गया। अब अपना कंसोल बॉक्स जो है पूरा ऊपर आ जाए, अब पीछे लेकर के अपने को निकालना रहेगा, इसको पीछे घसेटेंगे निकल जाएगा। तो चलो फिर मैं कंसोल बॉक्स निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फिर अब आपको आगे आना है, आगे आके देख रहे हैं, एक स्क्रू यहाँ दिया है, एक स्क्रू यहाँ दिया है और एक स्क्रू यहाँ रहेगा जो फाइबर ब्लैक वाला कवर निकाला, एक यहाँ दिया है और एक ये बाजू दिया है ये वाली। तो ये चारों स्क्रू खोलूँगा, खोलने के बाद ही ये निकलेगा। तो चलो चारों स्क्रू खोलता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली चारों स्क्रू खोल लिया हूँ, अब ये वाला लॉक खोलना पड़ेगा अपने को। आप देख पा रहे हैं ये हिल रहा है, अब खुल चुका ये वाला। अब देख रहे हैं ये खींचेंगे इसको तो ये निकल जाएगा। चलो फिर मैं इसको निकालता हूँ, निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली एक सॉकेट रहेगी यहाँ लाइटर की, ये वाली, ये निकालने के बाद ये ऊपर आ गया, ये इजीली अपना इसको पीछे होल्ड कर देंगे, निकल गया। अब देख पा रहे हैं ये नल्ला रहा, ये नल्ला को निकाल देंगे, ये वाली जो पीछे एयर आती है अपना ब्लोअर की एयर। तो चलो फिर इसको भी निकालता हूँ, नल्ले को निकालने के बाद फिर आगे आपको दिखाता हूँ, डक्ट को फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो अपन नल्ला भी निकाल दिया इसका, तो अब अपने को स्टेयरिंग खोलने की ज़रूरत है। स्टेयरिंग क्यों खोलेंगे, क्योंकि तो इसका तो डैशबोर्ड अखंड आएगा नहीं, इस वजह से पहले डैशबोर्ड का कवर खोलना पड़ेगा, फिर एंगल आएगा, फिर क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट आएगा। तो स्टेयरिंग खोलने के लिए इसके नीचे लॉक रहता है, वो लॉक आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे खुलता है, वो भी दिखा देता हूँ। ये लॉक खोलने से पहले मैं इसका कवर खोल देता हूँ ताकि इजीली दिखे। तो ये इसका कवर खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये वाले कवर खोल दिया हूँ, पहले ऊपर का कवर खोलने का, खोलने के बाद दो स्क्रू रहेगा यहाँ लगा हुआ रहता है नीचे के कवर में, और एक नीचे रहेगा स्क्रू, तीन स्क्रू खोलेंगे नीचे वाला भी कवर निकल जाएगा। अब मैं आपको नीचे का लॉक दिखा दे रहा हूँ कैसा दिया है लॉक। ये देख लीजिए आप, क्लियर नहीं दिख रहा है, ये देख रहे हैं ये वाली लॉक है इसका, या माइनस इसको डाल से आप इसको कटाएंगे निकल जाएगा। एक कटा के दिखा देता हूँ आपको, ये निकल चुका। अब स्टेयरिंग को घुमाने का, दूसरा लॉक यहाँ है, इसको भी ऐसे ही स्क्रू डाल लेने का, ये भी निकल चुका। अब इसको ये बाहर आ चुका इजीली है, इसको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे खींचेंगे बाहर आ जाएगा। और इसमें देख रहे हैं ये वाली सॉकेट दिया है, और यहाँ एक सॉकेट है, तो चलो ये सॉकेट में निकालता हूँ क्योंकि माइनस इसको डाल लगाना पड़ेगा तभी निकलेगा। तो निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली एयरबैग अपना निकल चुका, ये रही एयरबैग, तो इसको पीछे होल्ड कर देते हैं। अब अपने को ये एलेंकी खोलने का, स्टेयरिंग सीधा कर लीजिए, स्टेयरिंग सीधा करके एलेंकी खोल के खोलता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। खोलने के बाद फिर दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो फिर मैं एलेंकी खोलता हूँ। तो स्टेयरिंग स्टेयरिंग सीधा करके इसको लॉक कर दें, लॉक मतलब चाबी निकाल दो ताकि तुम इजीली अकेले भी खोल सकते हो। तो इसमें एलिंकी जो लगेगा, ये वाली एलिंकी लग रहा है, फोर्स का है ये अपना पाना, देख रहे हैं S2 M12 ये वाला एलिंकी लगेगा,
तो चलो फिर मैं इसको खोलता हूँ, खोलने के बाद फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो अपना आइडेंटिटी लूज़ हो चुका है, यानी खुल चुका। इसको थोड़ा दोनों बाजू से ये करेंगे, खुल जाएगा। और एयरबैग रिंग का जो है मॉड्यूल, इसका एयरबैग रिंग का जो है स्प्रिंग का, उसका आप ध्यान रखें, जो पोजीशन में खोले हैं वही पोजीशन में बैठा देने का। इसको स्टेयरिंग का भी याद रखें, इसमें मार्क किया हुआ रहता है, ये देख रहे हैं ये वाला मार्क, और इसमें देख लीजिए ये वाला मार्क। कैमरा में क्लियरिटी नहीं दिख रहा है, लेकिन बढ़िया मार्क है, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर इसको भी पीछे दे देता हूँ मैं, और ये वाला जो रिंग है इसको ऐसे करके या किसी चीज़ से बांध दे, टेप वगैरह मार दे, या फिर बांध दे कोई रस्सी वगैरह से, कोई धागे से बांध दे तो बेटर रहेगा। तो चलो फिर मैं इसमें स्क्रू वगैरह दिया रहेगा, सॉकेट वगैरह सब निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मेरे को एक स्क्रू यहाँ खोलना पड़ा, 10 नंबर एलिंकी था, और ये ए सॉकेट, और ये 2 सॉकेट, और ये 3 सॉकेट, तीसरा सॉकेट खोलना पड़ा, यानी 4 सॉकेट टोटल खोलना पड़ा। अब एक लॉक इधर रहेगी इसका, और एक लॉक इधर रहेगी, तो दोनों लॉक निकाल चुका हूँ, और ये बाहर अपना आ जाएगा। अब और एक सॉकेट बाकी है जो कि देख रहे हैं यहाँ, ये वाली सॉकेट खोलने के बाद फिर ये इजीली अपना निकल जाएगा। तो बहुत शांतिपूर्वक खोलना पड़ता है इसको। तो सॉकेट खोलता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली लगभग 4, 5, 6 सॉकेट खोलना पड़ा अपने को, एक सॉकेट ये भी खोलना पड़ा। तो चलो इसको बाहर ले लेता हूँ, आ गई बाहर, ये देख लीजिए आप इसको। तो इसको मैं लॉक कर दूंगा यही पोजीशन में, यानी रस्सी से या फिर कोई धागे वगैरह से इसको लपेट दूंगा, ताकि ये घूम ना जाए। तो चलो फिर मैं ये वाला खोलता हूँ पोजीशन, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इसमें भी एक स्क्रू रहता है, यहाँ पर स्क्रू रहता है, ये स्क्रू खोलेंगे और इसको ईजिली बाहर आ जाएगा। इसमें कुछ लॉक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई सॉकेट वगैरह रहता नहीं है। तो इसको चलो पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं, और ये जो रिंग की बात कर रहा था मैं, इसको इस तरीके से आप टेप मार दें, ताकि ये किधर भी घूम ना पाए, और जो पोजीशन में खोले वो पोजीशन में इजीली बैठ जाए। तो चलो फिर अब अपना ये भी हो गया, अब अपने को खोलना है मीटर वगैरह, अब ये सब चीज़ छुट्टा करना है धीरे धीरे। अपने को ये कवर खोलना है मेरे को, इससे पहले ये वाला खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर मीटर खुलेगा। तो ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे खोलता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली एक स्क्रू यहाँ देख रहे हैं, मीटर का स्क्रू खोलना पड़ेगा, 2 स्क्रू दिया हुआ रहता है मीटर में, तो खोलेंगे इसको, ये बाहर आ जाएगा अपना, देख रहे हैं आप। इसमें सॉकेट दिया हुआ है पीछे साइड, ये रही सॉकेट, निकल गया। अब अपने को म्यूजिक सिस्टम खोलना पड़ेगा, म्यूजिक सिस्टम खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर स्क्रू रहता है, इस वजह से। उसके बाद ग्लो बॉक्स भी खोलना पड़ेगा, उसके अंदर भी स्क्रू रहता है। तो पहले म्यूजिक सिस्टम खोल लेता हूँ, फिर आगे आपको मैं दिखाता हूँ। म्यूजिक सिस्टम में कुछ नहीं दिया है मैंने, स्क्रू ड्रॉवर से साइड साइड से कटाएंगे निकल जाएगा। और उसके बाद 2 सॉकेट दिया है, एक ये वाली सॉकेट, तो चलो सॉकेट दोनों खोल के फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि एक हाथ से जमता नहीं सॉकेट, उसकी वजह से खुलता नहीं है। उसके बाद ये कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल पैनल निकलेगा, फिर आगे मैं दिखाता हूँ आपको। तो क्लाइमेट कंट्रोल, यानी क्लाइमेट कंट्रोल पैनल भी निकाल चुका हूँ। अब अपने को निकालना क्या है, ये रही स्क्रू, ये देख रहे हैं उधर, ये वाली एलेंकी स्क्रू दिया है, वो खोलना पड़ेगा। अब ग्लो बॉक्स भी खोल लेता हूँ, क्योंकि इधर से अपने को दिख जाएगा क्या क्या खोलना पड़ रहा है, नहीं तो फिर ग्लो बॉक्स खोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो चलो ग्लो बॉक्स खोल देता हूँ, फिर उस साइड जाके मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली ग्लो बॉक्स निकल चुका हूँ, ग्लो बॉक्स निकाल के ही अपना काम होगा नहीं, क्योंकि ये 2 और 3, 4 स्क्रू खोल के इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एयरबैग दिया हुआ है, एयरबैग का सॉकेट निकालना पड़ेगा, प्लस एयरबैग की जो वायरिंग है उस सेटअप को निकालना पड़ेगा, तभी जाके खुलेगा। तो सबसे पहले ये वाला कवर निकालना पड़ेगा, फिर आगे मैं ये खोलता हूँ 4 स्क्रू, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। इस साइड आ चुका हूँ मैं, चलो फिर खोलते हैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली सभी स्क्रू खोल दिया हूँ उसका, 4, 6 स्क्रू खोलना पड़ा, 2 स्क्रू और अंदर था। उसके बाद ये अपना नीचे आ गया,
तो ये पाइप है एयर का पाइप, इसको निकाल देता हूँ। यहाँ से निकालो या वहाँ से निकालो, कहीं से भी निकाल दो। ये निकल चुका, एक सॉकेट ये रही, ये एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का सब सॉकेट निकालना पड़ेगा आपको। निकालने के बाद निकाल देता हूँ, फिर अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसको भी निकाल दिया हूँ। निकालने के बाद आप देख रहे हैं ये एयरबैग के सॉकेट को निकालना पड़ेगा बहुत बारीक से अपने को। उसके बाद ये वाला खोलना पड़ेगा। तो चलो ये सब खोलता हूँ, खोल के फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, फाइनली डैशबोर्ड पूरी खुल चुकी है सबका, इसका ये देख रहे हैं ये सब स्क्रू, ये स्क्रू और यहाँ का स्क्रू, एक अंदर रहेगा स्क्रू ये पैनल और एक यहाँ नीचे इस साइड स्क्रू रहता है। वो इस साइड से दिखा देता हूँ, ये सब तो खोल चुका हूँ पहले। ये रही, यहाँ स्क्रू रहता है। उसके बाद ये वाला पैनल खोलना पड़ेगा आपको, इसमें ये वाला लॉक दिया हुआ रहता है, खींचेंगे बाहर साइड तो ये निकल जाएगा, अपना अपना डैशबोर्ड निकल जाएगा। सिर्फ एक स्क्रू यहाँ बाकी है, ये वाला स्क्रू खोलने के बाद डैशबोर्ड निकल जाएगा। तो चलो फिर मैं डैशबोर्ड निकाल के, बाहर निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो इस साइड का मैं बताया नहीं आपको था, ये एयरबैग की सॉकेट और ये दो 10 नंबर रहेगा, यहाँ और यहाँ दो 10 नंबर खोलना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं डैशबोर्ड पूरी हिल रही है। तो चलो फिर मैं, एक सॉकेट वहाँ दिख रही है आपको, वो इसका सनरूफ सेंसर का, वो निकालता हूँ। वो निकाल के डैशबोर्ड बाहर निकाल के फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली डैशबोर्ड निकाल दिया हूँ, देख रहे हैं आप, इसका स्पंज भी सर चुका है। स्पंज सरने की वजह से हवा भी नहीं आएगा बराबर। डैशबोर्ड निकाल के इधर रख दिया हूँ। तो चलो फिर अब मैं सबसे पहले एंगल को निकालूँगा, एंगल को निकाल के साइड से इसको क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को निकाल के बाहर निकालूँगा। तो चलो एंगल को इस साइड से थोड़ा इधर ले लूँगा, फिर क्लाइमेट कंट्रोल निकालूंगा। तो एंगल के लिए ये सब 12 नंबर खोलना पड़ेगा अपने को, दो इधर दिया है। स्पंज निकाल देता हूँ और एक यहाँ रहेगा स्टीयरिंग कॉलम के सपोर्ट के लिए और दो इधर रहेगा। तो चलो ये सब खोलता हूँ, फिर खोल के फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अंदर का फाइनली सब बोल्ट वगैरह सब खुल चुका हूँ, ये सब जितना भी खोलने का रहता है, वायरिंग वगैरह सब अलग कर दिया हूँ। ये फ्यूज बॉक्स को यहाँ से निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ये बोल्ट दिया हुआ रहता है। इधर का सब खोल दिया हूँ और बाकी अपने को सिर्फ बाहर खोलने का है। यहाँ का खोला हूँ 13 नंबर, इस साइड का भी खोल दिया हूँ। अब बाहर दिखा देता हूँ मैं आपको, बाहर क्या क्या खोला हूँ ये देख रहे हैं। ये हॉल पैनल ऊपर का खोल दिया हूँ, वाइपर का मोटर वगैरह सब पूरा सेटअप निकाल दिया हूँ। ये 13 नंबर दो बोल्ट है, ये खोलना पड़ेगा और हीटर पाइप, एक्सपेंशन वाल का ज्वाइंट, ये सब खोलने के बाद फिर मैं आगे एंगल बाहर निकाल के फिर आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली खुल चुका है ये, देख रहे हैं आप। तो चलो फिर इसको मैं अब बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के फिर क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट निकालूंगा, फिर उसके बाद आगे दिखाऊंगा। तो फाइनली अपना एंगल निकल चुका है, देख पा रहे हैं एंगल निकल चुकी है। एंगल इधर होल्ड कर दिया हूँ और अपने को क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट निकालने का है, ये भी निकल जाएगा। बाहर का सब खोल चुका हूँ, एक्सपेंशन वाल के पास का ज्वाइंट और ये जो दोनों नल्ला देख रहे हैं ना, डक्ट देख रहे हैं ना, इसको कटा के बाहर लाइट लेना पड़ेगा तभी ये निकलेगा। तो चलो फिर मैं इसको बाहर लेता हूँ, बाहर लेकर के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इसको छुट्टा कर चुका हूँ, यानी बाहर ले लिया हूँ इसको, देख रहे हैं आप। तो चलो फिर मैं इसको छुट्टा करता हूँ, छुट्टा करके फिर आगे मैं इसको खोलता हूँ, खोल के फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर खोलने के लिए लग जाते हैं अपन। तो फाइनली इसको इसमें से अलग कर दिया हूँ, कूलिंग कॉइल दिख रहा है यहाँ से, लेकिन मेरे को ये पूरा खोलना पड़ेगा, पूरा सेटअप इसको अलग करना पड़ेगा तभी जाके कूलिंग कॉइल निकलेगा। तो चलो फिर मैं कूलिंग कॉइल निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इवेपोरेटर कॉइल निकाल दिए, ये रही, देख लीजिए आप। कभी भी आपको परचेस करने की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से देख करके इजीली खरीद सकते हैं। देख लीजिए प्रॉपर तरीके से,
कैसा दिख रहा है, ये ओरिजिनल पार्ट है कंपनी का। तो चलो फिर मैं आपको नया वाला भी लाके दिखा देता हूँ, वो भी कैसा दिख रहा है और कितने में मिलता है वो भी बता देता हूँ आपको। तो चलो फिर लेके आता हूँ नया वाला इवेपोरेटर कॉइल। इसमें एक्सपेंशन वाल नहीं आया अपने को। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल पार्ट नहीं है। ओरिजिनल बोले तो कंपनी का नहीं है ये। ये चलता है, ये भी अच्छा है, पर ये जो ओरिजिनल कंपनी से होके फिटेड आती है ये वाला पार्ट ये नहीं है। ये आपको 5000 में मिल जाएगा और ओरिजिनल लेने जाएंगे तो 12-14 हज़ार के ऊपर जाना पड़ेगा आपको, और ओरिजिनल जल्दी मिलता भी नहीं है। इसकी वजह से इसमें ये वाला डाला जा रहा है, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि गाड़ी ज़्यादा दिन अपन चलाएंगे नहीं, गाड़ी को बेचने का है, इस वजह से ये वाला पार्ट लगाया जा रहा है। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, क्योंकि दिखता दोनों सेम है, सब कुछ सेम रहता है, कुछ भी फ़र्क नहीं दिखेगा आपको तो। लेकिन अपने को समझ में आता है ये ओरिजिनल है या क्या है नहीं है, ये अपने को ही समझ में आता है। लेकिन मैं आपको वीडियो में बता दे रहा हूँ ताकि आपको भी ये बात ये चीज़ों की जानकारी हो, बस और कुछ नहीं। तो चलो फिर मैं ये वाला फिटिंग कर दे रहा हूँ। और इसमें और एक चीज़ मेरे को फिटिंग करने का है, एक वाल कंप्रेसर का जो कंट्रोल वाल रहता है वो वाला, तो इस चीज़ के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो जब तक ये वाला काम कर लेता हूँ फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो फिर आगे फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली अपना सब फिट हो गया, देख रहे हैं आप, प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया हूँ उसको। तो चलो गाड़ी में इसमें बैठा करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो गाइस, बॉडी भी बैठा दिया हूँ, यानी क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट भी बैठा दिया और एंगल भी बैठा दिया। अब मेरे को फिटिंग करना बाकी है सब, तो चलो फिर सब मैं फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। ये सब फिटिंग कर लेता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो गाइस, फाइनली मैं इसमें नया स्पंज भी डाल दिया और देख पा रहे हैं ये सब मैं स्पंज नया डाल दिया, क्योंकि पहले वाला जो स्पंज सड़ चुका था मैंने आपको दिखाया था पहले। तो ये सब प्रॉपर तरीके से फिट हो गया। चलो अब इसके ऊपर मैं डैशबोर्ड डालता हूँ, डैशबोर्ड डाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो गाइस, फाइनली मैं डैशबोर्ड डाल दिया हूँ, अब मेरे को ऐसा फिटिंग करना है। मीटर वगैरह तो बैठा दिया हूँ, बाकी ये टेप वगैरह कंट्रोल पैनल वगैरह बैठाना है, तो ये सब चीज़ें मैं बैठा करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये भी बैठा दिया हूँ, इधर का सब बैठ चुका है अपना इधर का, और बाकी अपने को टेप और क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट कंसोल बॉक्स बैठाना है, स्टेयरिंग कॉलम वगैरह सब बैठा चुका हूँ, देख पा रहे हैं, बस ये सब बाकी है। तो चलो ये सब फिट करता हूँ फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो गाइस, फाइनली सब फिट हो गया, देख रहे हैं आप, सिर्फ मेरे को स्टेयरिंग का ये लगाना बाकी है, बाकी सब फिट हो गया है। सिर्फ स्टेयरिंग को बैठाना और ये सब सॉकेट विकेट लगाना, कवर वगैरह लगाना बाकी है ये वाला, बाकी सब फिट हो गया है। तो चलो ये सब फाइनली फिट करता हूँ फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, फाइनली पूरी गाड़ी फिट हो चुकी है, अंदर का सब जो जो भी खोला गया था सब प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका, देख पा रहे हैं आप, प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका, सब फिट हो चुका है। तो चलो अब इसका बाहर में भी आपको दिखा देता हूँ, बाहर भी सब फिट हो गया, और वो जो कंट्रोल वाल यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल है वो भी रिप्लेस करके दिखाऊंगा। तो चलो फिर बाहर चलते हैं अपन। तो फाइनली बाहर भी अपना पूरा फिट हो चुका है, देख पा रहे हैं आप, प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है सब। और चलो मैं आपको नीचे वाल का सिस्टम बता देता हूँ, यहाँ रहती है वाल कंप्रेसर के नीचे साइड में, फिर इसका सॉकेट निकाल दीजिएगा आप, उसके बाद ये रहती लॉक भी निकाल दीजिएगा, मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। यहाँ से वाल को आप इसको डॉर से कटाएंगे तो ये निकल जाएगा, ये रही वाल इसका। तो नया वाला इसमें हम डाल देते हैं, ये रही नया वाला डाल देता हूँ मैं इसमें। नया वाला कुछ आपको 5000 तक मिल जाएगा ओरिजिनल, और अगर लोकल लेंगे तो 2-2.5 हज़ार में मिल जाएगा, जो कि ज़्यादा टाइम चलता नहीं है। तो चलो फिर इसको मैं फिट कर देता हूँ, जैसे खोले थे वैसे ही आप डाल देना इसमें, और जब ये बैठ जाएगा तो आवाज़ आएगा, टक टन का आवाज़ आएगा, ये बैठा नहीं, मेरे को दबाना पड़ेगा ताकत से तब जाके बैठेगा। उसके बाद लॉक लगा के सॉकेट लगा दें, हो जाएगा। तो ये रही जूनी वाली का क्या है, कभी कभी ये वाल ख़राब हो जाने के बाद ना कोई क्या बोलता है, कोई टेक्नीशियन आपको डायरेक्ट नया कंप्रेसर डलवाने की कोशिश करेगा,
और एक्चुअली ये कंप्रेसर में जिसमें वाल रहती है, ये वाला कंप्रेसर काफ़ी टाइम चलता है, इसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा रहता है और जल्दी ये ख़राब होता नहीं है। तो आप एक बार अगर आपको कोई बोलता है कि कंप्रेसर ख़राब है, तो आप एक बार वाल डलवा करके ज़रूर देखें, क्योंकि वाल डलवाने के बाद 100% होता ही है, कंप्रेसर बन ही जाता है। तो ये वाली वाल कम से कम 4-5 साल चलता है, और अब जब दूसरी बार डालते हैं तो अगर सही वाल डालेंगे ओरिजिनल वाल तो ये भी काफ़ी टाइम चलता है, और नल्ला माल डालेंगे बोले तो लोकल डालेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं चलता है, 1-1.5 साल बस। तो चलो ये सब फिटिंग करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। एक बार आप अच्छी तरीके से वाल देख लीजिए, क्योंकि कभी भी आपको अगर ज़रूरत पड़े या फिर परचेज़ करने की हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। मॉडल नंबर गाड़ी का बताया हुआ है, कब का मॉडल है, कौन सी गाड़ी है। तो चलो फिर मैं बाहर आपको दिखा देता हूँ एक बार। सब फिट हो गया है, वाल वगैरह सब बैठा दिया हूँ, और लो वाला हाई वाला एडाप्टर लगा करके वैक्यूम में लगा दिया हूँ मैं इसको। तो चलो वैक्यूम होने देते हैं, वैक्यूम होने के बाद फिर मैं गैस चार्जिंग करके आपको दिखाता हूँ आगे। तो फाइनली अपना वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें मैं थोड़ा सबसे पहले ऑयल मार देता हूँ, 50-60 ml ऑयल मार देता हूँ। 5 ml ऑयल ऑलरेडी है इसमें, तो 60 ml लगभग ऑयल मार दिया है इसमें, और गैस मार देता हूँ 450 ग्राम। तो फाइनली 450 ग्राम गैस मार दिया इसमें मैं। तो चलो फिर सबसे पहले मैं गाड़ी चालू करके आता हूँ और कंप्रेसर की पंपिंग दिखाता हूँ। गाड़ी चालू करके फिर कंप्रेसर की पंपिंग आपको मैं बाहर जा करके दिखाता हूँ, तो चलो बाहर चलते हैं। तो फाइनली अपनी गाड़ी चालू हो चुकी है, देख पा रहे हैं आप, गाड़ी चालू पोजीशन में है अपनी। बैटरी डाउन था इसकी वजह से चालू नहीं हो रही थी ये गाड़ी। तो चलो एसी वीसी चालू रखा हूँ, तो चलो बाहर चलते हैं अपन। सबसे पहले कंप्रेसर की पंपिंग दिखा देता हूँ, फिर आगे आपको कूलिंग टेम्परेचर वगैरह दिखाऊंगा। तो चलो बाहर चलते हैं अपन। तो फाइनली अपनी गाड़ी चालू हो चुकी है, तो चलो बाहर आपको दिखाता हूँ पंपिंग कितना हो रहा है। तो देख पा रहे हैं आप, हाई लोड में लगा हुआ है, कंप्रेसर ऑन है, रिटर्न भी अच्छा है, और पंपिंग आप देख लीजिए। पैंतीस पे आ रहा है और भी धीरे डाउन होगा, अभी चालू हुई है। तो चलो फिर मैं आपको अंदर कूलिंग टेम्परेचर वगैरह दिखाता हूँ कितना कूलिंग आ रहा है इसमें। तो चलो फिर अंदर चलता हूँ। तो फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, एसी वगैरह सब अपना चालू है, कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 9.3 पे आ चुका है, यानी और भी ड्रॉप होगा धीरे धीरे, तो यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो चुका है। और हेलो दोस्तों, मैं आपको ये सब चीज़ें जो दिखाया, डैशबोर्ड खोल के क्या क्या खोलना पड़ा अपने को, कूलिंग कॉइल खोल के दिखाया, कूलिंग कॉइल रिप्लेस करके दिखाया है, कंट्रोल वाल चेंज करके दिखाया, तो ये सब चीज़ें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, बस बाकी और कुछ नहीं। तो गाइज़ आप मेरे चैनल में अगर नए हो ना तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।